Assalamualaikum, hi friends, I am Asghar Ali and you are watching Technical Baja. दोस्तों यहाँ पर हम आज फुल चार्जिंग टेस्ट करेंगे Vivo V23e का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट करेंगे, देखेंगे कितनी देर में चार्ज होता है। यहाँ पर दोस्तों देख लें कि हमने बिल्कुल ही 0% किया हुआ, यहाँ पर चार्जिंग की ज़रूरत है। अब यहाँ पर चार्जर हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों 44 वॉट का, यहाँ पर देख सकते हैं 44 वॉट का चार्जर है। कितनी देर में चार्ज करता है ये पता चल जाएगा। बैटरी इस फ़ोन में है 4050 mAh की, तो बैटरी छोटी है लेकिन चार्जिंग भी उस हिसाब से जल्दी हो जानी चाहिए। तो 30 मिनट्स में 69% क्लेम था कंपनी का, लिखा हुआ था लेकिन 69% नहीं हुआ। जितनी फास्ट तेज़ी से हो रहा था मैं समझ रहा था कि 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 62% ही चार्ज हुआ है 30 मिनट्स में। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. गया है कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट, 58 मिनट तकरीबन हुए और कुछ सेकंड गुजर चुके हैं, मतलब के तकरीबन 58 मिनट और 45 सेकंड में ये कंप्लीट हो गया है चार्जिंग टेस्ट 100%। और यहाँ पर जो वीवो का क्लेम था दोस्तों वो तकरीबन 45 मिनट में होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी टाइम ले गया वीवो V23e, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट में हो जाना चाहिए था। 4050 mAh की बैटरी है, उस हिसाब से हो जाना चाहिए था, क्योंकि 33 वॉट का चार्जर जो है वो तकरीबन भी ऐसे समझ लें कि 1 घंटा 20 मिनट लेता है, 10-15 मिनट या 20 मिनट अच्छे वाला जो चार्जर है 5000 mAh बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पर 44 वॉट का चार्जर था, 5000 mAh बैटरी को भी चार्ज करता था, तो तकरीबन भी 1 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4050 mAh बैटरी इतना ज़्यादा टाइम ले गई। फ़ोन इतना हीटअप नहीं हुआ नॉर्मली, ये फ़ोन अब तक इतना ज़्यादा हीटअप नहीं हो सका दोस्तों फ़ोन। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।